गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होने वाला सीधे धनुष कुड़ी से, तो बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा कुछ इंट्रो भी नहीं बोलने वाले हैं, सीधे दिखाने वाले हैं यहाँ की खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस इस ओर देख सकते हैं हिंद महासागर और इस ओर है बंगाल की खाड़ी। देखिए दोनों का संगम होने जा रहा है धनुष कुड़ी के सामने में। देख सकते हैं लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं अब। ओके, रोड के दोनों ओर दो समुंदर, एक नहीं दो। इस ओर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इस ओर हिंद महासागर, इंडियन ओशन, दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं धनुषकोडी। देखिए यहाँ कितने सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का मिलन होता है इसी जगह पे धनुषकोडी में। तभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से यहाँ पे किस तरीके से समुंदर दिखता है। तो बने रहिए हमारे साथ में, मज़ा आने वाला है। आगे क्या सीन है गाइस, क्या सीन है। इतने सारे लोग, इतना खूबसूरत नज़ारा। तो यहीं पे होता है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन, दोनों समुंदर का, विशाल समुंदर, छोटा मोटा नहीं, विशाल। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, एक फ़ोटो उसका 100 रुपीज़ लेगा। तो हम लोग का तो फिलहाल मोबाइल है, मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और यहाँ इंडिया का सिंबल दिया हुआ है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। बाला कितना खतरनाक है पानी। यह हिंद महासागर, देखिए काफ़ी सॉलिड लग रहा है। ओहो, पानी का कलर क्या है गाइस, मछली भी है बहुत बड़ी बड़ी सी। क्या शानदार पानी का नज़ारा है, कलर में कोई खोट नहीं है, देख सकते हैं कोई खोट नहीं कलर, एक थोड़ा नहीं। भाई लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ के, काफ़ी सॉलिड आ रहे हैं। देखा दुनिया में तो क्या देखा, देखिए। तो चलिए आपको यहाँ का एक राउंड करवाते हैं। देखिए उधर से आने का रास्ता जो कि आ सकते हैं आप, और इस ओर से है, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर दोनों का मिलन इस जगह पे हो चुका है, देख सकते हैं। और इस तरफ बहुत सारे लोग हैं, एक यहाँ पे स्टैचू टाइप का है इंडिया का, और बाकी ये रहा समुंदर, दो महान समुंदर का मिलन, यानी कि संगम स्थल है ये। काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स के लिए भी आदमी है, ये यहाँ पे दिया हुआ है रोकने के लिए। काफ़ी सारे लोग, ये
इंडिया का सबसे लास्ट बॉर्डर पड़ता है इधर तमिलनाडु का और इंडिया का। जब नीचे साइड जाएंगे तो उधर पड़ेगा कन्याकुमारी, इस साइड के लिए यह है सबसे लास्ट बॉर्डर। काफ़ी मस्त प्लेस है ये, आप कभी आते हैं इधर जरूर आइए घूमने के लिए, काफ़ी शानदार जगह है। भाई लोग पोज दे के फोटो क्लिक करवा रहे हैं अलग अलग अंदाज में, बिल्कुल पूरा क्लीन दिखता हुआ नहीं। आपका भाई मस्त टोपी लगा लिया है, अब फोटो क्लिक करवाता है मस्त मस्त। चलिए अब ठीक है, क्योंकि बाल थोड़ा सा खराब हो गया, अब आएगा मजा। भाई लोग मेरा टोपी यूज करके फोटो क्लिक कर रहे हैं, अब मेरे साथ ही आए हैं, बिहार के हैं, ऑटो शेयरिंग में आए हम लोग। और हिंद महासागर का मिलन स्थल धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु इंडिया। हमारे साथ जो आए हैं वो भाई लोग फोटो के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं, इतना फोटो क्लिक करवा रहे हैं इतना हमारा अरविंद भाई जैसा कि बोलिए मत। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ इस दर्शन। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।